हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आए हैं नचिकेता फाउंडेशन ध्यान योग केंद्र में, जिसमें हमारे बहुत ही प्रसिद्ध नचिकेता ताल के महाराज जी हैं, जो कि हिमालय से, एक्सट्रीम हिमालय के जंगलों से हमारे पास यहाँ भक्ति के लिए, इस हिमालय छोड़ के लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए, आम जनता को मार्गदर्शन देने के लिए, ध्यान योग सिखाने के लिए, और हिमालय की इस पावन धरा से यहाँ पे उत्तरकाशी में आए हैं, गंगा के तट के पास में, और यहाँ पे वो और लोगों को ध्यान योग सिखाएंगे। इस जगह पे ध्यान योग केंद्र बनेगा, बन रहा है, ऑलरेडी प्रोसेस में है। ये महाराज जी ने काफ़ी कुछ अभी निर्माण कराया है और आगे भी प्लानिंग, अभी महाराज जी से मिलते हैं। हर हर महादेव। महाराज जी को हरिओम। महाराज जी के समक्ष आए हैं नचिकेता वाले महाराज जी हैं, और जो कि हिमालय से अभी यहाँ पे आम जनता को योग ध्यान सिखाएंगे। और यही संत का एक कार्य होता है कि हर नारायण, हर नर में ही नारायण देखें, और मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। इस कार्य के साथ स्वामी जी ध्यान योग को सिखाने के लिए यहाँ पे उत्तरकाशी में आए हैं। स्वामी जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम, हरिओम। स्वामी जी, कुछ आप बताना चाहेंगे कि कैसे आपका उद्देश्य यहाँ पे बना, ध्यान योग का किस तरह का भाव आया आपको, और स्वामी जी कैसे मतलब आगे ध्यान योग सीखेंगे लोग यहाँ पर? देखिए, वैसे यहाँ ध्यान योग केंद्र नचिकेता फाउंडेशन जी खोलने का लक्ष्य हमारा यह है कि अक्सर यही देखा जाता है कि जहां भी ध्यान योग केंद्र का निर्माण हुआ है जी, अक्सर वहां स्टार्टिंग से लेकर के प्राणायाम तक का कोचिंग कराया जाता है। बिल्कुल सर जी। प्राणायाम से आगे उनको फोकस बहुत कम जगह मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि प्राणायाम के बाद फोकस जो है थोड़ा हार्ड हो जाता है, और उस क्वालिटी पे जो है स्टूडेंट भी नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनकी कुछ असुविधाएं होती हैं, उनके खान पीन के परहेज में डिफेक्ट पड़ जाता है, कुछ स्वास्थ्य में भी डिफेक्ट पड़ जाता है, और योगा जो है एक रूल कानून के हिसाब से चलता है। अगर रूल कानून के अनुसार नहीं चलेंगे तो अपने स्वास्थ्य पे डिफेक्ट होगा। तो प्राणायाम के ऊपर जो भी योगा है, जैसे चक्र हुआ, कुंडली हुआ जी, सर जी, नाभि का चक्र हुआ, नासिका चक्र हुआ, मूलाधार हुआ, या तालु का चक्र हुआ, या समाधि टाइम हुआ, तो उस समय उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है जी। ऐसा भी हो सकता है कि रूल के अनुसार नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उनको योगा का जीवन भी दान देना पड़ सकता है। इसलिए हम सभी जितने भी योगा कार्य करने वाले हैं, उनसे एक आग्रह करूंगा कि जब तक किसी भी टीचर का फोकस ना मिल जाए, रूल नहीं मिल जाए, दिशाएं नहीं मिल जाए, तब तक प्राणायाम से आगे ना बढ़े जी। समझे, इसमें स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, स्वास्थ्य ठीक ठाक होना चाहिए। अगर अस्वस्थ है तो उसका स्वास्थ्य के अनुसार ही चलना चाहिए, भोजन प्रसाद भी ऐसा ही करना चाहिए, जैसे कि भोजन किया और ना किया दोनों बराबर है जी।
ना खाया ना भूखा रहा, ना पानी पिया ना प्यासा रहा, तो इस हिसाब से करते करने से अगले को लाभ मिलेगा। और विशेष रूप से जो भी इस मार्ग में आगे के लिए फोकस के लिए मिलना चाहते हैं जी समझिए, तो ये नचिकेता ध्यान योग केंद्र फाउंडेशन मनेरा स्टेडियम के पास में इसका निर्माण हो चुका है जी। और आने के बाद उनके विचारधारा के बाद उनका ही एंट्री होगा जी समझे। अच्छा स्वामी जी, कितने दिन के लिए वो रुक सकते हैं कि जो अपना मतलब ध्यान योग को, कितने दिन आपको लगता है अगर आगे का साधक है? देखिए अगर जनरल साधक है जी समझिए, अगर जनरल से प्राणायाम तक अगर उनका कंप्लीट है हाँ, तो उनको कम से कम 1.5 महीना 2 महीना 2.5 महीना 3 महीना का टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, और अगर उनके पास कैपेसिटी बढ़िया है जी, आसन मजबूत है उनका हाँ, खान पीन बेहतर है जी, रेस्ट देने का टाइम क्लियर है जी समझे, तो वो शीघ्र ही प्राप्त कर लेंगे। मतलब आपका पूरा विश्वास है कुछ न कुछ अनुभव लेके जाएंगे वो यहाँ पे रहने के बाद, और तो उनको जस्ट मिल जाएगा जी समझिए, जस्ट मिल जाएगा जी, क्योंकि टीचर का काम है आगे फोकस कर देना जी समझिए, प्रैक्टिस करना जो है स्टूडेंट का काम है, बिल्कुल निरंतरता चाहिए इसमें हाँ जी जी, तो जैसे वो प्रैक्टिस करेंगे प्रयास करेंगे वैसे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे उनको पूर्ण आवासीय पूरी व्यवस्था मिलेगी, भोजन प्रसाद उनका यही होगा, और अपने वो उस नियम के अनुरूप रह के हाँ, आगे अपना योग मार्ग में आगे बढ़े। अभी वैसे यहाँ जो है पूर्ण रूप से व्यवस्था की तैयारी चल रही है जी समझिए, और जो बीच में आएंगे यहाँ तो, पर स्वामी तब तक वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं यहाँ पर? नहीं नहीं हाँ, मतलब योगा सीख सकते हैं, योगा सीख सकते हैं जी। अगर कोई बाहर से आता है, मान लो दूसरी हाँ, जगह से आता है यहाँ हाँ, तो मतलब उसका रुकने का भी पूरा इंतजाम हो जाएगा? व्यवस्था है जी स्वामी जी, व्यवस्था है, उनका खाने पीने का व्यवस्था है जी, स्नान ध्यान की व्यवस्था है, और जो थोड़ा और आगे भी जाना चाह रहा है तो ताल में भी उसको रुका सकते हैं, नचिकेता ताल में भी, और एडवांस ताल में भी जा सकती हैं जी, वहाँ भी ध्यान कर सकती हैं जी, और ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हमारी व्यवस्था से जी अगर ओवर हो जाएंगे हाँ, तो उनको रेस्ट करने के लिए कहीं और जगह भी व्यवस्था बना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और कोचिंग सेंटर यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल, वो अपना सुबह फिर जितने समय आए और अपना रहने के लिए दूसरी हाँ, जगह चले जाए हाँ, वो भी व्यवस्था करके देंगे हाँ, यहाँ पर बहुत तो बढ़िया है सारी बातें जी। वैसे ओपनिंग जो है एंट्री का स्टार्ट हो रखा है जी, और ये सारी बातें जो है हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है जी सर, और बेहिचक अपना एंटर करके संपर्क करें। तो स्वामी जी आप क्रिया योग और कुंडलिनी योग भी सिखाते हैं, मतलब जो सिखाएंगे उसमें कुंडलिनी का भी मतलब जागरण हो सकता है? अगर कोई ऐसा साधक, बहुत से पूछते हैं मुझे कुंडलिनी जागरण कैसे होगा, और भले वो प्रैक्टिस कर रहे हैं पर उनको अच्छा सफलता नहीं मिलती या उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो चीज आपसे सीखना चाहिए तो उनका जो कमी होगा उनको बताया जाएगा जी स्वामी जी। हाँ, पहले तो अगर योगा से जो कुछ सीख गए है हाँ, जो अनुभव कर रखी है जी समझिए, अब वो किस रूल से कर रही है, ये क्या कमी है जी समझिए, पहले उनको दर्शाना पड़ेगा हाँ, दर्शाने के बाद में जो कमियां होगी उनको निकाल के आगे फोकस किया जाएगा जी समझिए। तो स्वामी जी यहाँ तक कि स्वामी जी चलो एक एक्सट्रीम पूरा योग का जो अंतिम लक्ष्य होता है समाधि होता है, आपको पूर्ण विश्वास है कि साधक अपना समाधि पे भी यहाँ पा सकता है अगर वो ढंग से पूरा मतलब ये नियमों का पालन करेगा, योग ध्यान का पालन करेगा? हाँ, उसके लिए उनको बहुत टाइम लगेगा जी समाधि तक पहुँच, उनको टाइम लगेगा, ऐसा भी होगा कि 2 साल 4 साल 10 साल लगेगा, बिल्कुल, ये तो खैर एक यात्रा बहुत लंबी है पर एक उसे यहाँ पे वो मिल जाएगा, निश्चित कुछ नहीं आया अभी जी स्वामी जी,
अब वो कैपेसिटी जो है हमारे ऋषि मुनियों के पास में भी कमी बेसी होता है जी समझिए। और जो है गृहस्थ आश्रम में जो है ऐसा अक्सर संभव नहीं हो पाता है जी। जो विरक्त साधक होंगे, जो मतलब बिल्कुल चाह रहे हैं, गृहस्थ में भी अगर विरक्त होंगे जी, वो आगे बढ़ सकते, वो आगे बढ़ सकते जी। अब बाकी तो जो स्वामी जी जनरल आदमी आता है गृहस्थ होता है उसका ये व्यसन वासना से विरक्त है जी स्वामी जी बिल्कुल। अगर व्यसन वासना नहीं है हाँ तो उनके लिए प्राप्त करना अच्छा है। ज्यादातर इसमें ब्रह्मचारी का काम है जी स्वामी जी। अगर ब्रह्मचारी हैं वो चाहे गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मचारी हैं तो वो सक्सेस हो सकते, वो सक्सेस हो सकते हैं। स्वामी जी मानव मात्र के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है, ये बहुत बड़ी प्रेरणा के बाद ही महाराज इस तरह एक सेवा कार्य कर रहे हैं ये मानव सेवा के लिए, उनका योग को आगे बढ़ाने के लिए, उनके तपोबल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही एक बड़ा लक्ष्य लेके महाराज ये सेवा भी है जी स्वामी जी, सेवा भी है, इसी से जी स्टाफ का खर्चा भी बिल्कुल स्वामी जी बिल्कुल, जो यहाँ पे लोग हैं बिल्कुल ठीक है। और जी सेवा की कैपेसिटी इतनी है जी, कर सकते हैं हाँ। जैसे मान लिया कोई इच्छुक है और वो चार्ज देने में कैपेसिटी नहीं है हाँ, तो वो अपना यहाँ पे उसको यहाँ क्लास करा सकते हैं बिल्कुल। उसको ये भी कह सकते हैं कि भैया कुछ लोग स्वामी जी तुम्हारे पास जो कैपेसिटी है जी अपना डोनेट पे डोनेट जो स्वामी जी, बहुत लोगों पे ऐसा होता है समय नहीं होता है पर वो पैसे से सेवा कर सकते हैं तो अपना वो डोनेशन कर सकते हैं बिल्कुल, ताकि ये आगे काम चले और ऐसे योग का ध्यान का वो रहे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और स्वामी जी अगर लोग चाहें तो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करा सकते हैं आपके द्वारा यहाँ पर हाँ, जी स्वामी जी, ताकि वो आने वाले टाइम पे जैसे आपका तैयार होता है जी ऑनलाइन करा सकते हैं जी। हमारे जो है क्या नाम है नचिकेता फाउंडेशन का जो है कई नंबर लगे हुए जी स्वामी जी, मैं वो बता देता हूँ दर्शकों को और ताकि वो अपना इंक्वायरी करें और अपना आगे इस योग मार्ग पे अब स्वामी जी की महान तपस्या के निर्देशन में काम करें। ऑफिस में भी जो है स्टाफ लोग बैठे रहते हैं हाँ जी, इस प्रकार कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल जैसा आप समझो। स्वामी जी ने ये अभी आपको ये भी दिखा देते हैं जो ये निर्माणाधीन हो रहा है यहाँ पर, ऐसे ऐसे इस तरह के छोटे छोटे टेंट लगेंगे। ये किचन आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा जो आवासीय योग प्रशिक्षु होंगे उनके लिए भोजन पानी का बनेगा। ये पूरा ग्राउंड है, अभी ये निर्माणाधीन सब कार्य चल रहा है। थोड़ा सा आपको ये स्वामी जी अभी बना रहे हैं, निर्माण कार्य यहाँ पूरा हो रहा है और जब तक आवासीय व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं होती तो उनको बाहर व्यवस्था करी जाएगी, यहाँ पे क्लासेस वगैरह सिखाएंगे स्वामी जी। और एक महान लक्ष्य महान संकल्प लेके जब भी एक संत चलता है तो प्रकृति उसका पूरा साथ देती है और निश्चित तौर पे कोई महान प्रेरणा नचिकेता की परम पावन धरती से महाराज को महान प्रेरणा हुई है मानव जाति की सेवा के लिए, उनको ध्यान योग में आगे बढ़ाने के लिए। तो आप लोग आए और यहाँ का पूरा लाभ लें। और ये निश्चित बात है महाराज जी पूर्ण संत हैं, आत्मज्ञानी संत हैं और इनके प्रेजेंस में रह के निश्चित तौर पे आदमी कुछ ना कुछ सीखेगा, कुछ ना कुछ अनुभवों से प्राप्त होंगे।